एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दे, यूपी के डीजीपी डीएस चौहान ने निर्देश जारी किए हैं। डीजीपी ने पुलिस को मुस्तैद रहने के निर्देश दिए हैं। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। अति के काफिले के रास्ते में जाम नहीं लगना चाहिए, डीजीपी की तरफ से ये आदेश जारी कर दिए हैं। रास्ते में पड़ने वाले जिलों को ये तमाम निर्देश जारी कर दिए हैं। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था आपने देखी और अब यूपी के डीजीपी डीएस चौहान ने ये निर्देश जारी कर दिए हैं कि पुलिस को मुस्तैद रहना है। हर जगह, हर जिले जहां से अतीक अहमद का काफिला गुजरेगा, वहां पर रास्ते में किसी भी प्रकार का जाम नहीं लगना चाहिए। जितने भी रास्तों में जितने जिले पड़ेंगे, वहां पर ये निर्देश दे दिए गए हैं कि जाम की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए, कोई भी अव्यवस्था नहीं दिखनी चाहिए, कहीं पर भी ये नहीं दिखना चाहिए कि काफिले को रोकना पड़े। तेजी के साथ जिस स्पीड से अभी जो ये काफिला चल रहा है, यूपी पहुंचने पर भी उसी तेजी के साथ ये काफिला चलना चाहिए, कोई भी ट्रैफिक रास्ते में नहीं होना चाहिए। तो ये निर्देश फिलहाल जारी कर दिए हैं और काफिला बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। जैसे कि शैलेश जानकारी दे रहे थे, अनुभव जानकारी दे रहे हैं कि कुछ ही देर बाद जो चित्तौड़गढ़ है पहुंचने वाला है काफिला, वहां पर स्टॉपेज हो सकता है और उसके बाद कोटा की तरफ ये रुख करेगा। कहीं ना कहीं निर्भर है कोटा पे कि कौन सा रूट तय किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रास्ते में पड़ने वाले जिलों के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं डीजीपी की तरफ से और साफ तौर पर ये कहा गया है कि जो ट्रैफिक रास्ते में दिखता है आम दिनों में वो नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि ये माना जा रहा है कि देखिए, सुबह 8 से 9 बजे का वो वक्त होगा जब झांसी पहुंच सकता है अतीक अहमद का काफिला। उससे पहले झांसी के लिए एक लेटर जारी कर दिया गया था, पुलिस प्रशासन को मुस्तैद रहने को कहा गया था और अब एक बार फिर से डीजीपी डीएस चौहान की तरफ से ये निर्देश जारी कर दिए हैं कि अगर बुंदेलखंड होते हुए झांसी होते हुए ले जाया जाए या फिर आगरा होते हुए अतीक अहमद को ले जाया जाएगा और जितने भी जिले इन रास्तों में पड़ेंगे वहां पर किसी भी प्रकार की जाम की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। ये पहले से ही पुलिस प्रशासन को सुनिश्चित करना होगा, वहां के ट्रैफिक प्रशासन को सुनिश्चित करना पड़ेगा, मैनेजमेंट को सुनिश्चित करना होगा ताकि कोई भी अव्यवस्था वहां पर नहीं दिखाई दे। अगर ऐसी स्थिति ना दिखाई दे कि काफिले को वहां पर रोकना पड़े, तो ये साफ तौर पर जो निर्देश है वो सभी जिलों के लिए डीजीपी की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। और शैलेश देखिए, सुरक्षा व्यवस्था साबरमती से लेकर हम देखते आए हैं राजस्थान तक, वो सुरक्षा व्यवस्था देखी जा रही है। अब साफ तौर पर आगे के लिए भी ये निर्देश जारी कर दिए हैं कि भाई, जिस हिसाब से अभी ये चल रहा है काफिला, उसी हिसाब से यूपी में भी चलना चाहिए, कोई भी ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, जाम की स्थिति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से आयुषी, डीजीपी डीएस चौहान की तरफ से निर्देश दिए गए और देखिए, हम जैसा पहले भी कह रहे थे कि लगातार रात में इस वक्त भी जो आला अधिकारी है पुलिस के, डीजीपी डीएस चौहान, एडीजीएलओ प्रशांत कुमार, सभी लोग पल पल पर निगाह रखे हुए हैं। लगातार जो पुलिस कमिश्नरेट है उसकी निगाहें हैं और साथ ही जिन जिलों से ये काफिला निकलेगा वहां पर ये निर्देश जारी कर दिए गए, कोई चूक ना हो, वहां पर कोई ट्रैफिक जाम की स्थिति ना हो, यानी जो काफिले की रफ्तार है उसके ऊपर असर नहीं पड़ना चाहिए। और इसे लेकर जो संबंधित जिलों के आला अधिकारी हैं, जो वहाँ के कप्तान हैं, उन्होंने भी अपने नीचे के जो मातहत हैं उनके उनको निर्देश दे दिए कि कोई चूक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। काफिला जब आएगा तो जिस रफ्तार से चल रहा है, क्योंकि देखिए रात में इतनी समस्या नहीं होगी, देखिए दिन में ये समस्या होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि जो नॉर्मल ट्रैफिक है वो चल रहा होता है। और ऐसे में देखिए, अगर आप चुनौतियों की बात करते हैं तो जो सुबह का ऑफिस टाइम है खासतौर से, वो ऐसा वक्त होता है जब काफिला चल रहा होगा तो उस समय जाम की संभावना ज़्यादा होती है। इसके अलावा रात की अगर बात की जाए तो जो निर्देश डीजीपी की तरफ से उत्तर प्रदेश के लिए जारी किए गए हैं, वही चीज अन्य राज्यों से जब ये काफिला निकल रहा है वहां पर भी सुनिश्चित हो सके, इसके लिए भी पहले ही वहां के आला पुलिस अधिकारियों से अनुरोध किया गया था। खुद जो यहाँ के आला अधिकारी है, जो डीजीपी है, उन्होंने अन्य राज्यों में जो संबंधित राज्य उनके डीजीपी से खुद सोर्सेस की माने तो उन्होंने खुद बात की और ये उनसे अनुरोध किया गया कि इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाए कि कहीं पर भी किसी तरह की दिक्कत ना आए, कोई समस्या ना आए। और ऐसे में निश्चित रूप से इतने हाई प्रोफाइल मामले की वजह से सभी राज्यों से इसे लेकर सहयोग भी किया जा रहा है और काफिला जो है वो आगे बढ़ रहा है कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में। जो संबंधित राज्य हैं वहाँ की जो पुलिस है
वो भी कमान संभाले है। उस राज्य में जो जिला है जहां पर ये काफिला चल रहा है वहां से पुलिस की टीम पूरा लगातार एस्कॉर्ट कर रही है, जो सबसे अच्छा रूट हो सकता है उसके बारे में वहां की लोकल पुलिस बता रही है कि कहां पर सड़क अच्छी है, सुरक्षा के लिहाज से कहां सही है, कहां पर कोई समस्या नहीं होगी, कहां पर स्टॉपेज ले सकते हैं। ये जो बारीक चीजें हैं ये वहां की लोकल पुलिस जो है वो लगातार बता रही है, लेकिन आंख बंद करके भरोसा नहीं करती है पुलिस जब ऐसे ऑपरेशन करती है। लोकल पुलिस की जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसके बाद जो पुलिस की टीम यहां से गई है वो अपने स्तर पर भी इन चीजों को लेकर सुनिश्चित होती है कि कहीं पर कोई चूक तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह से इतना बड़ा माफिया है यहां पर उसके काकस को खत्म किया गया है, लेकिन अन्य राज्यों में क्या स्थिति है कौन जानता है। तो निश्चित रूप से वहां पर भी इन चीजों को लेकर हर चीज को बहुत ही बारीकी से पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। खुद इस वक्त भी जो डीजीपी है उत्तर प्रदेश के, जो ADGLO है, वो लगातार अधिकारियों के संपर्क में है, एक एक पल की अपडेट गृह विभाग को भेजी जा रही है, एक एक पल पर एक एक मूवमेंट पर निगाह रखी जा रही है, काफिला कहां पहुंचा, कहां पहुंचने वाला, इन सभी चीजों पर निगाह बनी हुई है। बिल्कुल शैलेश, रात भले ही हो गई है, जिस तरीके से आदेश और निर्देश जारी हो रहे हैं उससे कहीं ना कहीं समझा जा सकता है कि सभी लोग अलर्ट पर है, लेकिन उससे पहले ये चार तस्वीरें इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं और इसको देखिए आप। जैसे ही जेल से बाहर निकला, सबसे पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं साबरमती जेल से बाहर निकलते हुए अतीक अहमद को, खौफ साफ तौर पर चेहरे पर देखा जा सकता है, डर साफ तौर पर देखा जा सकता है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, जब निकला साबरमती से यह काफिला उसके बाद सबसे पहला स्टॉपेज लिया गया ऋषभ देव में, जहां पर वॉशरूम ब्रेक के लिए रोका गया था अतीक अहमद को, ये सबसे पहला ब्रेक था ऋषभ देव में। उसके बाद उदयपुर जब ये काफिला पहुंचा तो वहां पर भी एक ब्रेक लिया गया। ये कहा जा रहा है कि अतीक अहमद की जो वैन थी उसमें डीजल भरवाने के लिए इस काफिले को वहां पर थोड़ी देर के लिए रोका गया था, 10 से 15 मिनट का जो समय था उसके लिए काफिले को वहां पर रोका गया था। अब चौथी तस्वीर में आप देखिए, यूपी में अतीक अहमद का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। तो साबरमती से लेकर प्रयागराज तक तमाम जो तैयारी पूरी कर ली गई है और यूपी में भी तमाम जो इंतजाम है वो कर दिए गए हैं, डीजीपी की तरफ से भी निगरानी रखी जा रही है। लखनऊ से लेकर प्रयागराज रात भर मीटिंगों का दौर लगातार जारी है और हर वो अपडेट लिया जा रहा है इस काफिले से जुड़ा हुआ, ताकि पूरे चुनौती भले ही पुलिस प्रशासन के सामने है लेकिन पूरे सुरक्षित तरीके से अतीक अहमद को सही सलामत प्रयागराज लाया जाए। और देखिए पल पल की अपडेट इस महा कवरेज पर, लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार नितिन का रुख कर लेंगे, नितिन भी हमें अपडेट दे रहे हैं तमाम। और नितिन, क्योंकि देखिए रूट अभी तक तय नहीं हुआ है, ए बी दोनों रूट तैयार किए गए हैं, अगर आगरा से इसको अतीक अहमद के काफिला गुजरता है, अतीक अहमद को ले जाया जाता है प्रयागराज, तो डिस्टेंस के बारे में बताइए कि आगरा से लेकर प्रयागराज का डिस्टेंस क्या है और अभी तैयारी क्या करी है पुलिस की तरफ से वहां पर। देखिए संभवतः जो रूट है वो शिवपुरी होते हुए वाया झांसी और बुंदेलखंड होते हुए प्रयागराज पहुंचेगा, लेकिन प्लान बी के तहत इसको आगरा से भी रखा गया है। हालांकि इसको लेकर जब थोड़ी देर पहले जब अधिकारियों से बात हुई, आगरा के तमाम जो पुलिस अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी, तो उनका ये कहना है कि उनके इस तरह का इंटीमेशन उच्च स्तर के अधिकारियों से नहीं दिया गया है। तो 99% जो रूट है वही रूट फॉलो किया जाएगा, वो उस स्थिति में फॉलो किया जाएगा जब किसी भी तरह का कोई अलर्ट आता है, किसी भी तरह का कोई इंटेलिजेंस इनपुट आता है या कोई और स्ट्रेटजिकली इस पूरे रूट को बदलने का पूरी तरह से कहा जाए ऊपर से दिशा निर्देश मिलता है। देखिए डर और आतंक का नाम अतीक था, लेकिन आज वो भीगी बिल्ली बना हुआ था। जिस तरह से जब वो 6:45 करीब वो साबरमती जेल से निकला तो उसके चेहरे की जो हवाइयाँ उड़ी हुई थी वो बता रही थी कि उसका भी वही हाल हो सकता है जो विकास दुबे को हो सकता है। विकास दुबे लौटूंगी आपके पास, लौटूंगी आपके पास। ये ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।